टैली चैप्टर 245। आज के इस ट्यूटोरियल सेशन में हम आपके लिए एक नया सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। बहुत सारे साथियों की रिक्वेस्ट आ रही थी हमारे चैनल पर कि उन्हें रैंडम नंबर्स चाहिए, जैसे एक्सेल में रैंड बिटवीन काम करता है वैसे ही उन्हें रैंडम नंबर्स की आवश्यकता होती है। तो ये TDL आपकी हेल्प करेगा और आज के सेशन को अच्छे से अटेंड करने के बाद फ्यूचर में आप रैंडम नंबर जहाँ भी जनरेट करना चाहते हैं ईजिली आप उसे जनरेट कर पाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और फिर आपको बताऊँगा कैसे इस काम का इस्तेमाल किया जाएगा। मेरी स्क्रीन पर आप एक टेबल देख रहे हैं। इस टेबल में मैंने 5 अलग अलग कॉलम्स का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर मैंने इसे सेट किया हुआ है 100 नंबर पर। और अब आप देखेंगे स्क्रीन पर नंबर, आपने अभी अभी देखा कि नंबर यहाँ पर चेंज हो गया है। ये देखिए, यानी कि जैसे एक्सेल में होता है रैंड बिटवीन, बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पर नया नंबर हर बार जनरेट कर सकते हैं। हाँ, वे वहाँ पर पेस्ट वैल्यू होता है जिसका इस्तेमाल आप कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पेस्ट वैल्यू नहीं है। तो ये नंबर अपने आप चेंज होते रहेंगे, जब जब मैं चाहूँ जहाँ भी चाहूँ मैं इसको चेंज करता रहूँगा। ये एक टेबल में है, इसको और आसान तरीके से दिखाता हूँ। आप मेरा डैशबोर्ड देखिए, गेटवे ऑफ टैली, यहाँ पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है और आपका ये नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो डैशबोर्ड पर कोई भी कंटेंट लिखना हो उसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाती है। हमने वहाँ आपको कोडिंग सिखाई हुई है जहाँ पर आप अपने डैशबोर्ड को कस्टमाइज कर सकते हैं। रेडीमेड कोड भी है, कोडिंग सिखाई भी गई है, तो चेक कीजिएगा चैनल पर वीडियो के नाम से और लिस्ट के अकॉर्डिंग, वहाँ आपको हेल्प मिल जाएगी। तो मैं आपको बता रहा था कि ये समस्या अक्सर आप लोगों के साथ में आती है कि जब आप एक नया नंबर जनरेट करना चाहते हैं तो आप जनरेट नहीं कर पाते हैं। या देखिए, हर बार एक नया नंबर जनरेट हो रहा है, वो इस कंडीशन पे, क्योंकि मैंने ही इसे बताया है कि आप हर बार नया नंबर जनरेट कर दीजिए। नंबर क्या होगा ये मैं डिसाइड करूँगा अपने कोड में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने कोड पर जाता हूँ और उस कोड से पहले मैं आपका डैशबोर्ड क्लीन कर देता हूँ। कंट्रोल एस, टैली पर चलते हैं। मैंने F5 किया, गेटवे ऑफ टैली आ गया क्योंकि मैंने वो वहाँ से हटा दिया। हालांकि मैंने अभी टेबल अपनी स्क्रीन पर रखी हुई है, लेकिन नंबरों में थोड़ा सा बदलाव मुझे करना है। इसके लिए मैं एक छोटा सा काम करूँगा, ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ चलते हैं, ठीक है। मैंने जो भी नंबर 100 है उस नंबर को बढ़ा करके मैंने 5000 कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिप्लेस ऑल की सहायता से, तो मेरे कोड में जहाँ जहाँ नंबर थे वो सारे के सारे 100 की जगह पर चेंज हो गए, ठीक है। चेक करते हैं, कंट्रोल एस, टैली पर गया मैं, अपनी टेबल को मुझे रिफ़्रेश करना है। F5 मैंने रिफ़्रेश किया और अब नंबर आपको यहाँ 5000 तक देखेंगे। जो भी नंबर आप चाहते हैं वो नंबर 5000 तक आ रहे हैं हर बार जनरेट। एक छोटी टेबल बनाइए या बड़ी टेबल बनाइए, वो आपके ऊपर है। अब ये मैंने किया कैसे, इस बारे में बात करेंगे। तो मैं सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन का कोड लिखूंगा। जी बिल्कुल सही सुना आपने, 2 लाइन का कोड लिखूंगा और उससे आप एक रैंडम नंबर जनरेट कर पाएंगे बड़ी आसानी से, ठीक है। बड़े कोड तो मैं रेडीमेड देता हूं आपको, जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो में रेडीमेड कोड बड़े वाले आपको मिल जाते हैं, ठीक है। वहां से आप बड़े बड़े कोड का इस्तेमाल कीजिए, तरीका भी बताया गया होता है। मेरे सारे कोड फ्री हैं, लेकिन जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देख पाएंगे आपको वो कोड नहीं समझ आता है। तो पूरी वीडियो देखिए,
और समझ लीजिए, तब जाकर आपको कोड आसानी से मिलता है यूज़ करने के लिए। आप अपनी भी कोई रिक्वेस्ट टैली पर हमें दे सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी देखिए हमें क्या करना है। मैंने अपना नोटपैड स्टार्ट किया, यहाँ पर मैं एक मेन्यू का चुनाव कर रहा हूँ। मेन्यू, मेन्यू का नाम मैंने रखा गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे, ये हमारी एक लाइन है। थोड़ा सा नीचे करता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, इसको मैं इंटरेस्ट बनाने के लिए सबसे नीचे ले जाता हूँ अपने कोड में जी, ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने टाइप कर दिया। इससे मतलब ये हुआ कि जो मेरा कोड काम करेगा वो करेगा गेटवे ऑफ टैली पर ही, और कहीं काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसको मेन्यू गेटवे ऑफ टैली शो कराया है। ठीक है, ये है। अब इसके बाद हमें दूसरी लाइन यहाँ लिखनी है। दूसरी लाइन में आपने क्या किया, लिखा टाइटल। यहाँ पर टाइटल लिख दीजिए, जो भी टाइटल आपको चाहिए। मैंने लिखा राजीव मिश्रा, कंट्रोल एस, सेव कर दिया। मैंने टैली पर गए और मैंने यहाँ रिफ्रेश किया, मेरा गेटवे ऑफ टैली डैशबोर्ड दिखा रहा है राजीव मिश्रा। ये तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ पुराने चैप्टर्स में। ठीक है, अब मैंने इससे कहा कि नहीं, मुझे चाहिए डॉलर डॉलर मशीन डेट। अगर मैं इससे कहता हूँ कि मुझे मशीन डेट चाहिए, तो आज की जो डेट है वो मशीन डेट यहाँ पर आ जाएगी, 23 मार्च 2022 आ रही है। यानी कि अब हमें ये पता चल गया कि गेटवे ऑफ टैली के डैशबोर्ड पर बदलाव किया जा सकता है। कहाँ पर करना है उसकी लोकेशन, वो मैंने दोनों लाइनें आपको बता दी। अब बारी आती है कि आखिर रैंडम नंबर कैसे जनरेट होगा। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको लगता है कि आपको अपनी कोई TDL बनवानी है, तो आपको एक एग्जाम्पल देना चाहिए, डिटेल्ड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा, हम आपके लिए TDL सही से तैयार नहीं कर पाएंगे, इसलिए एग्जाम्पल दीजिए। अब यहाँ ले लेते हैं हम अगला। क्या करना है अपने को, हमें चाहिए मशीन टाइम, कंट्रोल एस, टैली पर गए, रिफ्रेश किया, F5, या मशीन टाइम। अभी टाइम हो रहा है 12:23, 12:23। नाइस, नाउ विल डू वन थिंग, विल मूव इट। अब मैं आपको यहाँ पर वो चीज़ बताने वाला हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, जिससे आप नंबर जनरेट कर पाएंगे। इसीलिए मैंने दो लाइनें बोली हैं, एक लाइन तो मैंने ऊपर ऑलरेडी लिख दी है। दूसरी लाइन मैंने यहाँ लिया डबल डॉलर और मैंने इसे कमांड दी रैंड रैंडम। ठीक है, आप रैंड बिटवीन नहीं लेते हैं यहाँ पर, आपको रैंडम का चुनाव करना है। रैंडम लीजिए, नंबर लीजिए और आप यहाँ पर नंबर शो कराइए। मुझे नंबर चाहिए 0 से लेकर 10 तक के बीच में। सेव करिए, टैली पर जाइए, रिफ्रेश कीजिए, F5, ऊपर नंबर आ गया। वो नंबर जो आएगा वो 0 to 10 के बीच में रहेगा, F5। ठीक है, जैसे रेंड बिटवीन काम करता है, चल रहा है बढ़िया, नंबर चेंज हो रहे हैं 0 to 10 के बीच में। अब आगे चलते हैं। अब मैंने इसको बोला कि भाई मुझे नंबर चाहिए 0 से 100, कंट्रोल एस, टैली पर गए, रिफ्रेश कराया, और मैंने रिफ्रेश करके क्या लिखा इसको यहाँ पर। अच्छा, मेरी स्क्रीन पर ये जल्दी से क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि मैंने रिफ्रेश TDL का बटन बना रखा है, नीचे भी बना रखा है, ऊपर भी बना रखा है, ऑल्ट F5 से भी। मैं किसी भी स्क्रीन पर रहूँ वहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर सकता हूँ, मेरे पास रिफ्रेश TDL है। तो मैंने रिफ्रेश किया उसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। चैनल पर जाइए और वहाँ पर उसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये कॉमा यहाँ पर आ रहा है क्योंकि मैंने इस फील्ड में अगले चैप्टर की तैयारी की है, इसलिए यहाँ पर कॉमा दिखाया गया है, बाकी कॉमा नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है,
क्योंकि मैंने वहाँ एक अलग फील्ड का चुनाव किया, जैसे आप करते हैं ना, नेम फील्ड, अमाउंट फील्ड, नंबर फील्ड, सिंपल फील्ड, लॉन्ग प्रॉम्प्ट, तो मैंने कुछ और किया हुआ है। नंबर मैंने लिया 50 से 100, कंट्रोल एस, टैली पर गए, रिफ्रेश किया और यहाँ पर मैंने इसको F5 ऊपर देखे चेंज हो गया। अब यहाँ जो नंबर आएंगे, जितनी बार आप रिफ्रेश करोगे उतनी बार ये चेंज होगा। अब आप तो ऑल्ट कंट्रोल टी करते रहो बार बार, ऑल्ट कंट्रोल टी F4 चेक करना पड़ेगा, नहीं तो रिफ्रेश TDL की 2 वीडियो है मेरे चैनल पर, उन दोनों को देख लीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। ठीक है, अभी रिसेंटली भी डाली और पहले भी डाली हुई है, जिससे आप कभी भी कहीं भी रिफ्रेश योर स्क्रीन एनीवेयर देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे तो ये कहीं और भी चाहिए, तो जहाँ भी आपको चाहिए वो आपने लिख देना है कि मुझे कहाँ चाहिए। मैंने कहा जी हैश कहाँ चाहते हो, मैंने कहा फील्ड, फील्ड में मैंने बोला कि जो वाउचर का रेफरेंस है मुझे वाउचर के रेफरेंस में चाहिए। क्या चाहिए पहले चेक करते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। माई टेक्स्ट सेव करते हैं, टैली पर चलते हैं, किसी वाउचर पे जाते हैं, रिफ्रेश करके एरर आएगी तो दिखाएगा वो, एरर नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। सेल्स पे गए, यहाँ देखिए यहाँ आ गया माई टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है रेफरेंस नंबर पर, मैंने पहले सेट कर दिया। अब अगर हम इसको यहाँ सेट कर दें, हम कह दें कि भाई हमें चाहिए एक दूसरी चीज़, तो वो काम कर जाएगा। जैसे मैंने इसको बोला कि भाई मैं चाहता हूँ इंस्टीड ऑफ दिस टेक्स्ट आई अप्लाई रैंडम नंबर, रेफरेंस ब्लॉकर भी मैंने अभी रिसेंटली डाला है, वो भी चेक कर लेना आप। तो 0 से लेकर के 10,000, ठीक है, सेव करते हैं, टैली पर चलते हैं और इसको ऑल्ट F5 से रिफ्रेश करता हूँ। इस वाउचर में अपडेट नहीं होगा, पहले मुझे इसे स्विच करना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो इफेक्ट है उसको F5 वाउचर, यहाँ एक नंबर आ रहा है, जितनी बार आप इसे रिफ्रेश करोगे उतनी बार एक नया नंबर जेनरेट हो जाएगा। थोड़ा मुझे अप डाउन करना पड़ेगा क्योंकि जब मैं उसको रिफ्रेश करूँगा तो उसी स्क्रीन पर ऑल्ट F5 से रिफ्रेश सेम वाउचर में नहीं दिखाता है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा अप डाउन करना पड़ता है। तो नंबर यहाँ पर देखिए चेंज नहीं हो रहा है, वाउचर बदल देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, F8 एंटर, यहाँ पर नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो मेरा मतलब ये था कि जहाँ भी आप चाहते हो बदलाव करना, बदलाव कर सकते हो। ठीक है, आपने कहा नहीं जी मेरे को तो इसको बदलना है कि कहाँ पर, अच्छा कहाँ पर के लिए तो दूसरी वीडियो आप देख लेना। ठीक है, बहुत जगह है, मैं बताता रहूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, जल्दी से चैनल पर जाना है और वीडियो अपनी नीड के अकॉर्डिंग सर्च कर लेना है। रेडीमेड कोड कैसे मिलेगा वो आपको पूरी वीडियो देखने पर समझ आएगा। छोटे छोटे कोड, मैं तो छोटे कोड पढ़ाता हूँ, तो वो कोड वीडियो के अंदर होते हैं, उनको वीडियो को देख करके आप नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा। ऐसे आप टैली आराम से TDL सीख जाएंगे धीरे धीरे। आपकी कोई रिक्वेस्ट है डिटेल्ड एग्जाम्पल में दे दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको एक लाइक कर देना चाहिए, कमेंट कर देना चाहिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए। तो मैंने आप सभी की रिक्वेस्ट पूरी की रैंडम नंबर की। अब यूज़ कैसे करते हैं ये आपके ऊपर है। जैसे मैंने ये टेबल बना ली, मैंने अपने टेबल में इसका इस्तेमाल कर लिया, आप हु नोज वेयर यू विल यूज़ इट दैट, तो आप कहाँ यूज़ करेंगे तो आपके ऊपर है। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता जा रहा हूँ, मैंने अपना F5 होल्ड कर रखा है, ये रिफ्रेश कर रहा है, नंबर जनरेट कर रहा है। यहाँ पर मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, यहाँ चेंज हो रहा है ऊपर, आपको मैंने एक एग्जाम्पल वाउचर रेफरेंस में भी दे दिया है, हर बार वाउचर रेफरेंस में एक नया नंबर जनरेट हो जाएगा। तो बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें TDL में आप सीखते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। कोई खास वीडियो नहीं मिलती है तो आप रिक्वेस्ट कर देते हैं। तो टेली चैप्टर 200
45 की रिक्वेस्ट आप लोगों की पूरी हुई रैंडम नंबर जनरेटर की, और अब हम बढ़ते हैं टेली चैप्टर 246 की ओर।